अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह लाख लाख शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, तेरे मुस्कुराते रहे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए मेरे आमीन सुमा आमीन। और हमारे लिए भी दुआ किया करें। और काफ़ी ज़्यादा बारिशें होने की वजह से जो है ना हफ्ता पूरा बहुत डिस्टर्बेंस रही है घर में। छतें वगैरह जो मैंने आपको दिखाई हुई थी वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई पड़ी थी, अभी भी गीली है सारी दीवारें इस तरह। ये शुक्र है कि आज थोड़ा सा मौसम नॉर्मल हुआ है तो उसकी वजह से जो है ना थोड़ा सा पानी खुश्क हुआ है। गलियों में तो नहीं इतना खास खुश्क हुआ, लेकिन छी है कि छत थोड़ी सी सूख गई है। तो फिर आज सारा दिन मैं मिट्टी डालती रही हूँ छत पे, तो सही मुनासिब वो जो एक प्रॉपर डालते हैं तरीका क्या होता है उस तरह तो नहीं डाली, लेकिन ये है कि हल्की फुल्की मैंने बस वो जो नीचे सादी थी वो उठा उठा के ऊपर डाली है कि चलो कुछ तो बचा। तो क्योंकि कह रहे हैं कि हफ्ता फिर ये बारिशों का, अल्लाह माफ़ करे, अभी पहले एक हफ़्ता बारिशों का रहा है। अब काफ़ी दिनों की बारिशों के बाद जो है ना अल्लाह का शुक्र है कि आज थोड़ा सा मौसम नॉर्मल हुआ है। तो नॉर्मल होने की वजह से फिर छतें वगैरह थोड़ी सी खुश्क हुई हैं, दीवारें अभी भी उसी तरह गीली हैं बिल्कुल, ये नज़र आ रही होंगी जहाँ जहाँ पानी है। तो ये शुक्र है अल्लाह का कि बारिश रुकी, बारिश रुकने की वजह से जो है ना थोड़ा सा खुश्क हुआ है। फिर ये भी कीचड़ लतपत हुआ हुआ था, इसको आज मैंने फ़र्श को अच्छी तरह धोया धो के, तो फिर ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर लगाई हैं। एक तो पंखे की वजह से ना ये हमेशा उड़े ही रहते हैं, तो घर जैसा भी है इसको फिर मैंने साफ़ सुथरा किया। चरपाइयाँ वगैरह मैंने धो के धूप फिर गई हैं, धूप इतनी ख़ास नहीं थी लेकिन ये खुश्क हो गया। अभी मैं अंदर लेके आई हूँ तो माशाल्लाह जी ये है जी आज सारी सफाइयाँ वगैरह करके। नहीं तो यकीन करें कल यहाँ पे इतना कीचड़ और छत की वजह से जो है ना बहुत बुरा हशर हुआ था। यहाँ से भी दीवारें जो है ना काफ़ी बस अल्लाह पाक ने बड़े नुकसान से बचा लिए। तो घर की मुकम्मल जो है ना सफाई वगैरह मैंने करके अभी फारिग हुई है, थोड़ी देर हुई है। बच्चों को मैंने रोटी बना के दी है, मैंने कहा आप लोग खाएँ, तो वो भी गए हैं थोड़ी देर के लिए बाहर। रज़ाइयाँ वो बिल्कुल गीली हो गई थी, खेस वगैरह भी गीले हैं, ये मैंने फिर धूप पे डाले हैं। मुर्गियाँ कर दी हैं बंद, बच्चे लेके गए हैं बकरियों को बाहर। शतील शहीर वो बैठे हैं, बारिश अच्छी हो जाने की वजह से बहुत ज़बरदस्त घास उगा हुआ है बाहर। उतारने से मेरी चादर धूप में, सारा दिन इधर बैठे रहे, अच्छा हूँ हब्स का महीना है तो उस वजह से जो है ना बाहर सही रहता छाँव पे। आज यहाँ पे सफाई वगैरह कर रही थी, यहाँ पे सांप इतना बड़ा तो वह भागता भागता वहाँ पे गया अंदर, इधर इधर आ गए। यकीन करें मैं उसके पीछे पागलों की तरह भाग रही हूँ, मेरे से मारने की भी हिम्मत ना हो यहाँ तक आ गए। मुझे ये था कि पेटियों में इधर चला गया ना मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो घर में था कोई नहीं, मैं बड़े बेटे को वाल देती शर्जील शर्जील, लेकिन वो नहीं पहुँच रहा था। फटाफट फिर मैंने जो है ना ईंट उठाई उठा कर मारी, ज़िंदगी में पहली बार मैंने सांप को मारा, बहुत ज़्यादा खौफ ज़्यादा भी थी लेकिन मार दिया मैंने। बच्चों के सपारे का टाइम हो रहा है, उनको बुला के भेजती हूँ सपारा पढ़ने। कौन कौन है? हाँ आपके सपारे पढ़ने का भी टाइम हो गया, उतारो इसको नीचे उतार दो, इधर आओ शाहजेब अंदर चलो, आपने भी जाना स्पार पढ़ने, वजू कर लो मेरा बेटा। जल्दी जल्दी वजू कर लो, भाइयों को भी फिर बुला के लाना, असर की अजान हो रही है, साथ नमाज भी पढ़ लो, स्पारा पढ़ने भी भाग लो। शाबाश, शाहजेब को भी लेके जाया करो, शाहजेब बड़ा हो गया। शाहजेब आप बड़े हो गए ना, आपने जाना स्पारा पढ़ने, आप ही तो जा रही है ना इशाल फातिमा।
इधर आओ, जूता पहनाओ, जूता वहाँ पे उतारा हुआ, तो आ जाओ इधर आओ। पाकिस्तान बोलो, पाकिस्तान पाकिस्तान। ये देखो ये फौजी बनेगा बड़ा होके। हो गया वजू के भी आगे उस पारा पढ़ के। पापा नहीं आए आज, पापा लेट हो गए, आज भूख भी बच्चों को सता रही, आज खाने के लिए भी कुछ। हाँ जी, शक लग रहा जी, कहता पापा ने सुबह आना, नहीं आ जाएंगे वो, पता नहीं पैसे नहीं मिले, बस यही है ना दिहाड़ियों का काम, सुबह का तवा भी इधर ही पड़ा हुआ, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, घर में है ही नहीं। आते वाली बाल्टी बिल्कुल खाली हुई, वो भी मैंने कुछ करके रखी, मैंने कहा क्या बताते हुए ले हैं। हाय हाँ जी, पढ़ा है इस पारा, अल्लाह करे आज शाम बिल्कुल अंधेरा होने पे आया, वो लोगों की लाइटें जल गई, मुर्गियां बंद कर दिया, शाबाश सही किया, बैठे सब की आंखें चमक रही मुर्गियों की, जैसे लाइटें ये इनकी भी चमक रही, पता नहीं क्यों चमक। वो देखो भाई आया, वो कोने पे रख दो, हाँ इधर रास्ते में ही रख दो, साथ वालों की ट्रालियाँ आ रही है ईंटों की, तो उन्होंने तोड़ दिया हमारा दरख्त। चलो खैर, हाँ जी चलो खैर, कोई नहीं, क्या कह सकता, यही था शरीर। शाल फातिमा दुआ करो पापा आ जाए आपके, बच्चे बेचारे सारा दिन आसरा करते रहे कि शाम को पापा आ जाएंगे, तो अभी तक नहीं आई, दो तीन दिन बारिशों के सिलसिले में फिर नहीं काम हो सका, तो इस वजह से जो है लेट हो गए, कहते होंगे पैसे वगैरह मिले तो फिर ही जाऊं घर। सालन पूरा नहीं ना होता इस तरह के, कुछ बच्चे सालन के साथ खा लेंगे, कुछ चाय के साथ खा लेंगे, इस तरह का काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो जाना हम भी कल तक खाना खाएंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अच्छे से लोग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए ला फिर अपनी दुआ में याद रखिए। शहर को बोलने लगी है, मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत तेज़ बारिश लगी हुई है, बहुत तेज़, अल्लाह पाक अपनी रहमत करे, बारिश बहुत तेज़ है, बेचारे बकरियां भी परेशान हैं बारिश इतनी तेज, क्योंकि जगह कम है। अल्लाह अपनी रहमत की दे, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश भी जो है ना वो भी नुकसान है, ख़ासकर जो गरीब बंदे हैं उनके लिए तो ज़्यादा नुकसान है, ये कच्चे मकान, कमज़ोर मकान, बहुत तेज़ बारिश।